नमस्कार, सरोज इंडियन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सरोज चौधरी। आज हम सूजी के लड्डू बना के तैयार करेंगे। सूजी के लड्डू बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जी, मैंने एक कटोरी सूजी लिया है, बारीक वाली सूजी है। इसे एक बर्तन में डालेंगे। आप जितने लड्डू बनाना चाहते हैं उतनी सूजी ले सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी दूध लिया है, दूध हल्का गर्म है। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके सूजी में डालेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा दूध एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये मैंने सूजी को एकदम सॉफ्ट बना के रख दिया। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गई है, सूजी अच्छे से फूल कर सख्त हो गई। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। हाथ से मसल मसल कर एकदम सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। ये मैंने सूजी को सॉफ्ट बना लिया है। अब इसे 2 भागों में बांट लेंगे। सूजी की लोई बना लेंगे। हाथ से उल्टी तरफ घुमाते हुए लोई बनाकर तैयार करेंगे। ये मैंने थोड़ी मोटी लोई बना के तैयार की है। इस प्रकार दूसरी लोई भी बना लेंगे। एक लोई उठाएंगे, हाथ से थोड़ा दबा देंगे, बेलन की सहायता से बेल लेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतले नहीं बेलेंगे। इसी प्रकार दूसरी रोटी बेल लेंगे। ये मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था। घी से अच्छे से चिकना करेंगे, रोटी डाल देंगे। तवा अच्छा गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। रोटी की दूसरी तरफ भी घी से अच्छे से चिकना कर देंगे। चम्मच से रोटी में छेद कर देंगे ताकि रोटी अच्छे से सिककर तैयार हो जाए। रोटी सिक चुकी है, पलट देंगे। दूसरी तरफ भी अच्छे से घी लगा देंगे। ये मैंने रोटी को सेक के तैयार कर लिया, अच्छे सिक चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार दूसरी रोटी भी सेक लेंगे। रोटी को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेंगे। थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा कर लिया है, अब इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे, पीस लेंगे। देखिए कितनी अच्छी पिसकर तैयार हुई है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी प्रकार बाकी की रोटी पीस के तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक कटोरी चीनी लिया है, जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी से चीनी लिया है। ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब बिना ड्राई फ्रूट के भी लड्डू बना सकते हैं। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें घी डालेंगे। पहले थोड़ा घी डालेंगे, 2 चम्मच डाल देंगे। मिक्स करेंगे। सूजी के लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं। बड़ी आसानी से लड्डू बन रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसी प्रकार हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, सूजी के लड्डू बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आप जब भी खाना चाहिए लड्डू बना सकते हैं। सूजी के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। आप भी लड्डू बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरी बहुत सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।